Hi students, myself Sunil Kumar Sharma from Sonia International School. पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर संधि और उसके भेद के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक होगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण विचार में आपने पढ़ा था स्वर और व्यंजन आ आ ई ई ऊ ऊ री ए आई ओ औ, ये स्वर होते हैं। जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। का से लेके मा तक का ता 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 पा, कावर चावर टावर तावर और पावर और यारा लावा और सा सा हा छात्रा क्या, ये व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? ये व्यंजन। जब व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है, जो व्यंजन होते हैं उनका जब व्यंजन से मेल हो या स्वर का व्यंजन से मेल हो या व्यंजन का स्वर से मेल हो तो उससे होने वाले विकार या परिवर्तन को हम व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर का व्यंजन से मेल या व्यंजन का स्वर से मेल या स्वर का व्यंजन से मेल या व्यंजन का व्यंजन से मेल, उसके पश्चात जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो तथा दूसरी शब्द की पहली ध्वनि स्वर या व्यंजन हो, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिख प्लस गज, दिक प्लस गज, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है इसमें? का, का के नीचे हरण लगा है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। दिक का व्यंजन है और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि भी व्यंजन है, तो क्या होगा? दोनों का मेल होगा, दोनों के मेल से बन जाएगा दिग्गज। जब व्यंजन व्यंजन का मेल हो, व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल होता है, व्यंजन प्लस स्वर का मेल हो या स्वर प्लस व्यंजन का मेल हो, इन तीनों परिस्थिति में ही वह व्यंजन संधि कहलाती है। चाहे पहले शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि भी व्यंजन हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि दूसरे शब्द की पहली ध्वनि व्यंजन हो, उसके पश्चात पहले शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि स्वर हो तभी वो व्यंजन संधि होती है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर हो और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि व्यंजन हो तभी वह व्यंजन संधि होती है। यहाँ पर दोनों व्यंजन थे इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। क्या होगा? व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे वर्ण में परिवर्तन होता है, व्यंजन संधि में कैसे वर्ण परिवर्तित होते हैं।
व्यंजन संधि के नियम। पहला नियम है पहले वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। पहला नियम क्या है? पहले वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। इसमें क्या होता है? जब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क च ट त प में से कोई एक हो, मतलब पहले वर्ण जब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क च ट त प, क च ट त प मैं आपको समझाता हूं, क च ट त प ये वर्ण है, क च ट त प कावर चावर कावर कावर पावर। प्रत्येक वर्ग में पांच अक्षर पांच वर्ण होते हैं, जैसे कान ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ट ठ ड ढ ण, त थ द द ध न प प ब भ और म। ये देखिए ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है, प्रत्येक वर्ग में पांच वर्ण है, क ख ग घ ङ, इसमें पांच वर्ण है, एक दो तीन चार पांच, इसमें भी पांच वर्ण है, च छ ज झ ञ, इसमें भी पांच वर्ण है, ट ट ढ ढ ण, त थ ध ध ण, प फ ब भ म, ये पांच वर्ण है इसमें। ये प्रत्येक वर्ण का इसके नाम से ये वर्ण कहलाते हैं, कावर चावर टावर कावर पावर। तो ये प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण है, एक वर्ण का पहला वर्ण का चार चार का प, लेकिन ये का चार का प, जब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि किसी भी वर्ण का पहला वर्ण हो, किसी भी वर्ण का पहला वर्ण जब का चार का पता में से कोई हो, कोई एक हो, तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण हो या र ला वा अथवा कोई स्वर हो तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है।
दूसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि काचा का ता पा में से कोई हो, उसके बाद प्रत्येक वर्ण का इस वर्ण का तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो, चाहे ये वर्ण हो या ये वर्ण हो, इसके पश्चात यदि ये वर्ण हो या ये वर्ण हो, इसके पश्चात या ये वर्ण हो या ये वर्ण हो, इसके बाद यदि ये वर्ण हो या ये वर्ण हो, तीसरा वर्ण पहला दूसरा तीसरा दिया ना, प्रत्येक वर्ण का तीसरा और चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण चौथा वर्ण। अब देखिए काउंट करने के प्रत्येक वर्ण का तीसरा वर्ण, एक दो तीन, तीसरा वर्ण ये है, इसका तीसरा वर्ण ये है, इसका तीसरा वर्ण ये है, इसका तीसरा वर्ण ये है, या ये हो चौथा वर्ण हो, तीसरा या चौथा, तीसरा या चौथा, इनमें से कोई हो या कोई स्वर हो, आ आ ई ई ऊ ऊ ए आई ओ आओ, उनमें से कोई हो या ग्यारह अलावा हो, तो वह पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो वह वर्ग अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित यानी गा में परिवर्तित हो जाएगा, इसमें परिवर्तित हो जाएगा गा में, इसमें परिवर्तित हो जाएगा, यह वर्ण अपने इस वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, यह वर्ण अपने इस वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, और टा अपने इस वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, टा इस वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, टा इस वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ये इनका तीसरा वर्ण है। वही जब है पहले वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, पहला पहला वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, कब हो जाता है, जब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि प्रत्येक वर्ण का कोई पहला वर्ण हो, उसके बाद उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या कोई स्वर हो या ग्यारह अलावा में से कोई हो, तो वह अपने वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, ये इसका पहला नियम है। व्यंजन संबंधी नियम जो है, पहला नियम है पहले वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। जैसे दिख प्लस गज, दिख प्लस गज। अब देखिए नियम को पढ़िए, नियम के अनुसार चलिए। दिख पहले वर्ण की अंतिम ध्वनि क्या हो, काचा का टप्पा में से कोई हो, तो इसमें कौन सा है, का है कि नहीं है, पहला वर्ण ये है कि नहीं है, का, देखिए काचा का टप्पा में से कोई हो, का है, उसके पश्चात दूसरे वर्ण का, उसके बाद प्रत्येक वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो दूसरा शब्द है उसमें तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण हो, इसमें देखिए तीसरा वर्ण है ग, तीसरा वर्ण है ग, तो जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, तीसरे वर्ण में ग में, इसका तीसरा वर्ण क्या है ग, ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा, का जो है वो ग में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसके नीचे हर रहा है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, जब स्वर नहीं है तो आधा ही आ जाता है, क्या हो जाएगा इसका गा हो जाएगा, मतलब गा दिख, और ये गा लिख दिया जाएगा और ये जा लिख दिया जाएगा, दिक्कत, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया, यहाँ पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है ये आधा का है, हलंत का मतलब होता है आधा का, और जब इस गा में परिवर्तन होगा तो उसमें भी हलंत रहेगा लेकिन उसको हम आधा लिखते हैं, दिक्कत, उसमें स्वर नहीं है, हलंत का मतलब होता है कि स्वर नहीं होता है, जब अगर इसमें स्वर होता तो इसकी अंतिम ध्वनि आ होती ना कि क। इसके बाद देखिए दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, इसमें का, का इसमें क्या है का, अंतिम ध्वनि क्या हो पहले शब्द की का हो, और उसके पश्चात उसी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण हो या ग्यारह अलावा हो या कोई स्वर हो, तो ये स्वर है आस्वर, तो क्या होता है पहला वर्ण अपने वर्ग के
तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो का वर्ण का तीसरा वर्ण है ग, ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा, इसमें परिवर्तित हो जाएगा गा में, का जो है वो गा में परिवर्तित हो जाएगा, तो बन जाएगा दी, आधा का है दिगंबर, क्योंकि ये आ इसमें सम्मिलित हो जाएगा, ये आ हट जाएगा, ये आ इसमें सम्मिलित हो जाएगा, क्या हो जाएगा दिगंबर, दिगंबर। इसके बाद अगला उदाहरण देखिए, सत धनु गति, सत ता इसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण हो, इसके बाद तीसरा वर्ण है तो ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, ता का तीसरा वर्ण है द, तो ता के बाद तीसरा वर्ण क्या है ग, वो द, तो ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा द में, सद गति। पहले वर्ण के अंतिम वर्ण काचा का तापा में से कोई हो, उसके बाद किसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण हो, किसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण हो तो वह वर्ण पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित करेगा, अपने ही वर्ण में, तो इसका वर्ण है ये दा, तो दा में परिवर्तित हो जाएगा, तो ता दा में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो गया सद गति। ये था इसका पहला नियम। के बाद देखिए दूसरा नियम, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब ये कैसे होता है, अभी तो मैंने बताया था कि पहले वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, अब है पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, जब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, जब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि का चा टा ता पा में से कोई एक हो, दूसरे शब्द की पहली ध्वनि ना या मा हो, क्या हो ना या मा हो, ना या मा हो, तो पहला वर्ण, पहला वर्ण अपने वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है,
पहला वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और देखिए क च ट त प क च ट त प, ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है। का वर्ग का क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, क वर्ग का क, प वर्ग का प। इसका पांचवा अक्षर क ख ग घ ङ, इसका पांचवा अक्षर होगा ङ। च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ ग घ ण, प प प भ म। ये इसका पांचवा अक्षर है। का वर्ग का पांचवा अक्षर ये है, च का पांचवा अक्षर ञ, क का पांचवा अक्षर ण, का पांचवा अक्षर न, उत्पा का पांचवा अक्षर म। जब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क, च, ट, त, प में से कोई एक हो तथा तो दूसरे शब्द की पहली ध्वनि न या म हो तो पहला वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क, च, ट, त, प में से कोई हो, उसके पश्चात इसके पश्चात न या म हो, क के पश्चात न या म हो तो वो अंगा में परिवर्तित हो जाएगा। च के बाद न या म हो तो वो इया में परिवर्तित हो जाएगा। टा के बाद न या म हो तो वो ना में परिवर्तित हो जाएगा। टा के बाद अगर न या म है तो वो ना में परिवर्तित हो जाएगा। और पा के बाद यदि न या म है तो वो मा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे जैसे जगत प्लस नाथ, जैसे जगत प्लस नाथ। अब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? ता है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? ता। अंतिम ध्वनि ता है। उसके बाद मैंने बताया कि पहली ध्वनि दूसरे शब्द की पहली ध्वनि ना या माओ, ना या माओ क्या है इसमें? दूसरे शब्द की पहली ध्वनि ना है। तो प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण ये वर्ण ता वर्ण, पांचवे वर्ण ता का पांचवा वर्ण है ना, तो ना में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें परिवर्तित हो जाएगा ना में, ये ता ना में परिवर्तित हो जाएगा तो हो जाएगा जगत। ता के नीचे हरण लगा है, यहाँ पे स्वर नहीं कोई, तो ये आधा ही रहेगा। ता की जगह क्या हो जाएगा? ता की जगह ना हो जाएगा, जगन्नाथ। जगत प्लस ना जगन्नाथ। समझ में आया? जब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि का चाटा पापा में से कोई हो, उसके पश्चात ना या मा हो, उसके पश्चात क्या हो? ना या मा हो तो पहला वर्ण, अगर का के बाद ना या मा हो तो किसमें परिवर्तित होगा? अंगा में। अगर चा के बाद ना या मा हो तो किसमें परिवर्तित होगा? इया में। अगर टा के बाद ना या मा हो तो ना में परिवर्तित होगा। ता के बाद यदि ना या मा हो तो ना में परिवर्तित होगा। और पा के बाद यदि ना या मा हो तो मा में परिवर्तित होगा। जैसे मैंने दिखाया अभी जगत प्लस नाथ, तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? ता है। क्या है? ता क्या है? ता है। उसके पश्चात क्या आया है? ना आया है। दूसरे शब्द की पहली ध्वनि क्या है? ना। तो पहला वर्ण अपने वर्ग के पांचवा वर्ण, इसका पांचवा वर्ण है ना, ना में परिवर्तित हो जाएगा। यहां पर देखिए ना ता ना में परिवर्तित हो गया। तो ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अगर दो उदाहरण देखना है तो एक उदाहरण और देख लीजिए। सत प्लस मार्ग, सत प्लस मार्ग। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? ता है। और उसके पश्चात मा आ गया है। मैंने बताया था ना या मा में से कोई आए तो मा आ गया है। जब मा आ गया है तो ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा? अपने वर्ण के पांचवे में। पांचवा क्या होता है? ना। तो ता ना में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ता जब ना में परिवर्तित होगा, नीचे हरण लगा, इसका मतलब स्वर नहीं है, स्वर नहीं है तो आधा ना और मार्ग लिख देंगे। क्या हो जाएगा? सन्मार्ग। ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ना में, सन्मार्ग।
आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, बाकी मैं इसके और नियम अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।